अस्सलामु अलैकुम। मैं आप तमाम का आपके अपने इनायस वर्ल्ड में इस्तकबाल करता हूँ। अब हम इंशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं जिसे हम बुड़मा कहते हैं, उसका सालन हम बनाएंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर गोश्त डाल के बनाएंगे, बुड़मा और गोश्त का सालन है। तो मैं यहाँ पर 1 किलो जो है बुड़मा लिया हूँ और इसको इस तरीके से काट लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 या 5 जो है छोटी सी प्याज, छोटी सी डली काट के इस तरीके से रख लिया हूँ। और 5, 6, 7 जो है हरी मिर्च है, इस तरीके से लंबा चीर के काट के रख लिया। और फिर उसके साथ आप देख सकते हैं कि 1 स्पूनफुल जो है लाल मिर्च पाउडर, और उसके साथ 1/2 स्पूनफुल जो है हल्दी है, और उसके साथ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 स्पून जो यहाँ पर मैं रॉक सॉल्ट लिया हूँ, और उसके साथ ये जो है तकरीबन 1/4 स्पून जो है धनिया पाउडर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अदरक लहसुन भी लिया हूँ, तकरीबन 1 चम्मच और 1 चम्मच से बढ़ के ही। और उसके साथ आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है भुनी हुई मिर्च, जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर जो है मिर्ची को भून के और उसमें जो है ना थोड़ा लहसुन डाल के उसको पीसते हैं, इससे जो है ना थोड़ा फ्लेवर बढ़ता है। इसीलिए मैं जो है यहाँ पर ये भुनी हुई मिर्च भी लिया हूँ, मिर्ची पाउडर। और उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर तकरीबन छोटे बाउल से जो है बाउल या आधा बाउल जो है ना यहाँ पे प्योर असली जो है तेल लिया हूँ, ये भल्ली का तेल है प्योर असली। और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं तकरीबन 1/4 किलो जो है गोश्त लिया हूँ। अब चलिए इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। अब हम जो है पहले गोश्त को सोन लेंगे, जिसे हम कहते हैं कि पहले उसको बना लेना है। तो उसके लिए पहले हम जो है प्याज लेंगे, प्याज हम कुकर में डालेंगे और उसके साथ हरी मिर्च भी कुकर में डाल देंगे। और फिर गोश्त को भी डाल देंगे इसके अंदर, जिससे हम हैदराबाद में कहते हैं कि हंडी बना के चढ़ा लेना। तो उस तरीके से जो है पहले प्याज डाले, फिर गोश्त डाले और हरी मिर्च भी डाले मिला के उसके साथ, और तेल भी डाल देना है उसके साथ में। तेल डालने के बाद हम जो है इसके अंदर हल्दी है, ये हल्दी को हम डाल लेंगे। यानी यहाँ पर हमको पहले जो है गोश्त को गला लेना है, तो इसीलिए ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। और उसके साथ जो है ना अदरक लहसुन भी इसमें डाल लेंगे। अब इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेके इसकी हंडी बनाएंगे या सोन लेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास से 1/2 गिलास पानी डाल के इंशाल्लाह गलने रख देंगे। ये देखिए मैं कुकर ऑन कर दिया, और जो गोश्त हम डाले उसको गलाने के लिए मैं कुकर जो है ना बंद कर दिया। अब इंशाल्लाह यहाँ पे हम तकरीबन 6 सीटी तक इंशाल्लाह लगा के इसको गलाएंगे गोश्त को। देखिए माशाल्लाह गोश्त जो है ना अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसके अंदर जो है ये बुड़मा डाल देंगे। इसके साथ ही नमक और धनिया पाउडर
दो डाल देंगे और फिर ये मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। और लास्ट में ये जो मैंने कहा कि मसाले की मिर्ची, ये मिर्ची को जो है इसमें धनिया और ज़ीरा और लहसुन डाल के इसको पीसते तो ये सूखी मिर्ची जो भुनी हुई रहती मसाले की मिर्ची है इसको आखिरी में डालेंगे। लास्ट में डालने के बाद वो पूरा अच्छे से मिला लेंगे। जी मैं वो बताना भूल गया था, इसमें जो है एक 3-4 कटे हुए टमाटे भी डालेंगे। फिर उसके बाद में क्योंकि इसमें से ऑलरेडी पानी जो है ना निकलता, तो इसके अंदर आखिरी में इंशाल्लाह जो है आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेना ग्लास से। इसके बाद जो है हम इसको एक सीटी तक लगाएंगे, इसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरीके से टमाटे डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। देखिए इस तरीके से 2 सीटी आने तक इंशाल्लाह लगाएंगे, उसके बाद हम बंद कर देंगे। देखिए 2 सीटी हम लगाएंगे, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। 1 सीटी हो गई, अब आप देख सकते हैं कि और 1 सीटी आने वाली है, तो मुकम्मल 2 सीटी लगाएंगे बुड़मा डालने के बाद। 2 सीटी से इंशाल्लाह बुड़मा जो है ना नरम हो जाएगा और बहुत मज़े का और लजीज है, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम सिंपल रेसिपी और टेस्टी रेसिपी है ये। आप देखिए 2 विजिल मुकम्मल हो गए, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर लिया सालन को। बुड़मा और गोश्त का सालन तैयार है माशाल्लाह, और मैं ऊपर से जो है ना हरा धनिया डाल लिया जिसको हम कोतमीर बोलते हैं, कोतमीर काट के उसको मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किया। माशाल्लाह बहुत लजीज है और बहुत ईजी और टेस्टी रेसिपी है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको आप ज़रूर जो है ना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इनाइस वर्ल्ड को। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।